हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास विच वन ऑफ द गिवन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो पहला दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दिस। देखिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तीन चार फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म आपके पास ये भी रहता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4π। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपके पास ट्रू है। दूसरा दिया हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। देखिए, हम जानते हैं कि जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ये हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी इज हाई। स्टेबिलिटी क्यों हाई होगी? स्टेबिलिटी इज हाई किसके कारण हाई होगी? इज हाई ड्यू टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा जिसको आप बोल सकते हैं, ड्यू टू सिमिट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। सिमिट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी है इसके पास, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या होगी? हाई होगी। तीसरा, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है? फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल का, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या करता है? डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो देखो, 2s और 2p में n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसलिए दोनों का एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। तो दोनों का एनर्जी यहाँ पे सेम होगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे आई है, सी ऑप्शन, ये आपके पास क्या होगी? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। तो आप सारे लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इसलिए फाइनल आंसर होगा सी ऑप्शन। थैंक यू।